नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पथरी में गर्म पानी पीने के फायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों पथरी की समस्या बहुत ही कष्टदायक हो जाती है, खास तौर पर अगर किडनी में पथरी हो जाए तो इसे ऑपरेशन के जरिए निकालना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग किडनी स्टोन की परेशानी को घरेलू नुस्खों और खान पान से दूर करने की कोशिश करते हैं। किडनी में स्टोन होने पर कई हेल्थ एक्सपर्ट अधिक से अधिक पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि स्टोन में होने वाली परेशानी को कम किया जा सके। पथरी में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं। गर्म पानी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है, साथ ही यह किडनी स्टोन की परेशानी को कम करने में भी लाभकारी हो सकता है। दोस्तों आज हम आपको पथरी में गर्म पानी पीने के फायदे के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं पथरी की परेशानी होने पर गर्म पानी पीने से क्या होता है। दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या गर्म पानी किडनी स्टोन की परेशानी को कम कर सकता है। दोस्तों किडनी स्टोन की परेशानियों को कम करने में गर्म पानी लाभकारी हो सकता है। गर्म पानी आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है, खास तौर पर अगर आप सर्दियों के सीजन में हल्के गुनगुने पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। साथ ही गर्म पानी से किडनी स्टोन की परेशानी दूर हो सकती है। पथरी के मरीजों को पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे किडनी स्टोन में गर्म पानी है प्रभावी। नंबर एक, गर्म पानी पथरी को कर सकता है कमजोर। दोस्तों किडनी स्टोन की परेशानी होने पर शरीर में पानी का बहाव कम हो जाता है या फिर रुक जाता है। ऐसे में अगर आप अपने शरीर में पानी के बहाव को बेहतर करके पथरी को कमजोर करना चाहते हैं तो साधारण पानी की बजाय गुनगुने पानी का सेवन करें। इससे आपके शरीर में पानी का बहाव बेहतर होगा जिससे पथरी यूरिन के जरिए बाहर निकल सकती है। नंबर दो, धीरे धीरे पथरी खत्म होने की संभावना। दोस्तों गुनगुने पानी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। यदि आपको पथरी की परेशानी है तो आप गुनगुने पानी का सेवन करें, खास तौर पर किडनी स्टोन की परेशानी होने पर गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे धीरे धीरे पथरी की समस्या खत्म हो सकती है। नंबर तीन, शरीर को करें सक्रिय। दोस्तों पथरी की परेशानी होने पर आपको काफ़ी थकान महसूस होती है, ऐसे में गुनगुना पानी आपके लिए लाभकारी हो सकता है। गुनगुने पानी के सेवन से आपके सेल्स में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सक्रिय होते हैं जो शरीर के अंदर की परेशानी को दूर कर सकते हैं। ऐसे में आपका शरीर एक्टिव हो सकता है। नंबर चार, पेट दर्द को करे दूर। दोस्तों पथरी की शिकायत होने पर कई लोगों को पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत बनी रहती है। ऐसे लोगों को सुबह खाली पेट गर्म पानी पीना चाहिए। पथरी में होने वाली इस परेशानी को दूर करने के लिए गर्म पानी आपके लिए काफ़ी प्रभावी हो सकता है। नंबर पाँच, पथरी में पाचन से जुड़ी परेशानी को करें कम। दोस्तों पेट में पथरी होने पर आपको अपच की शिकायत काफ़ी ज़्यादा होती है। इस स्थिति में गर्म पानी का सेवन आपके लिए प्रभावी हो सकता है। नियमित रूप से गर्म पानी पीने से पेट में अपच और गैस की परेशानी नहीं होती है। साथ ही कई लोगों को पथरी की वजह से पेट फूलने की शिकायत हो सकती है, ऐसे में गर्म पानी आपके लिए प्रभावी हो सकता है। गर्म पानी पीने से पेट दर्द और पथरी को बाहर निकालने में प्रभावी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि अधिक गर्म पानी के सेवन न करें, इससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। वहीं अगर आपको पथरी की शिकायत है तो अपना नियमित रूप से चेकअप कराएँ ताकि पथरी की स्थितियों का पता चल सके।